नमस्कार, न्यूज़ आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। फ्लेक्स के गोदाम के बाहर कबाड़ में लगी आग देशी शराब के वेयर हाउस तक पहुंच गई। कुछ ही वक्त में आग ने भीषण रूप ले लिया, जिसे बुझाने के लिए दमकल दस्ते को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। 9 घंटे में 25 से ज़्यादा कर्मचारियों ने 16 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। दरअसल ग्वालियर के झांसी रोड पर विक्की फैक्ट्री एरिया में देशी शराब का वेयर हाउस है। यहाँ से पूरे ज़िले में देशी शराब की सप्लाई होती है। वेयर हाउस में अचानक लगी आग की खबर लोगों ने वेयर हाउस के अधिकारियों समेत दमकल विभाग को दी। आग लगने से वेयर हाउस में रखी करीब 20,000 शराब की पेटियां जलने की बात कही गई है। ये क्या नाम है, एक लीकर की फैक्ट्री है। इसमें आग काफी तेज थी, क्योंकि लीकर भी आग ज्वलनशील पदार्थ है, तो उसमें भी अपने आप में आग लग रही है। इसलिए करीब अभी 11 गाड़ी पानी लग चुका है और 3 गाड़ियां और भर के आ गई हैं, तो करीब 15 गाड़ी के आसपास और अभी लगने की उम्मीद है पानी। हाँ, करीब 50% अपन ने काबू कर लिया है। हाँ, अभी गोदाम को भी तोड़ना पड़ रहा है। नहीं, अब तो तोड़ दिया, जितना आवश्यकता थी तोड़ दिया, अब इसमें काबू हो जाएगा। क्या भरा हुआ इसका? हाँ, इसमें लीकर है, क्या नाम, दारू की बोतल है, देसी दारू की बोतल। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू, न्यूज़ आज। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।